दर्शन न्यूज। बिहार के कटिहार में सजगिया शिल्प मेला 70 स्टॉल के साथ 15 राज्यों से जुड़े कलाकृति और प्रचलित सामान इस मेले में उपलब्ध है, जिसे किफायती कीमतों पर सीधे ग्राहक ले सकते हैं। सिल्क साड़ी से जुड़ी ऐसी वैरायटी जिसमें कारीगरों ने नक्काशी के साथ अपनी कला का प्रदर्शन कर साड़ी में 4 चांद लगा दिए हों। मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी साड़ी, सलवार, दुपट्टा सहित महिलाओं से जुड़ी अन्य परिधान ग्राहकों के लिए पेश किया गया है। इसके अलावा सहारनपुर के फर्नीचर की खूबसूरती मेले की रौनक बढ़ा रही है। बच्चों को पेंसिल पकड़ने और किताब से जुड़ने के लिए मैजिक बुक उपलब्ध है, जो घिसने पर पेंट का रूप भी ले लेती है। यह आइटम बच्चों को खूब लुभा रही है। साथ ही एक्सरसाइज और आयुर्वेद से जुड़ी जड़ी बूटियों से बने सामान भी उपलब्ध है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों से जुड़े अलग अलग स्टॉल में यूनिक और आकर्षक सामान है, जो ग्राहकों को खूब लुभा रहे हैं। शिल्प मेला से जुड़े सुधीर शर्मा बताते हैं कि सभी दुकानदार खुद सामान बनाकर मेले में बेचते हैं। यही कारण है कि बाजार से कम कीमतों पर भी यहाँ सामान उपलब्ध है। यह सभी व्यापारी नहीं कारीगर हैं, जिस कारण अपनी कला का प्रदर्शन के साथ अपने सामान को आवाम तक पहुँचाते हैं। बता दें कि यह मेला 28 जून तक चलेगा, जहां दोपहर के 3 बजे से प्रारंभ होने के पश्चात रात्रि के 10 बजे तक संचालित है, जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए आकर्षक आइटम मौजूद है। कटिहार से रुपेश मिश्रा की रिपोर्ट। मेला घूम रहे हो, कैसा लगा मेला? मेला बहुत ही अच्छा आनंद है, और इसमें जो है कि हमारे कटिहार में राजेंद्र स्टेडियम मेला लगे हुए, हमारी पूरी टीम जो है जो कि मेला घूमते हुए पूरा मेला का लुत्फ उठाते हुए। सिल्क मेला है, सिल्क कपड़े हैं इसमें जो है कि लड़कियों के लिए जो है कि चूड़ियाँ वगैरह और कपड़े वगैरह सब मिलती है, और जो है कि कुछ फर्नीचर वगैरह की भी सामान है, और बॉयज़ के लिए भी बहुत कपड़े वगैरह है, बच्चों के लिए खिलौना सब है, जो कि हम लोग घूमते हुए पूरा एकदम आनंद लेते हुए बहुत सारे भी लोग हैं मेला का लुत्फ उठा रहे हैं। अभी हमारी भी कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग करीब 10 जन हैं। तो मेला पूरा घूमे कैसा लगा? बहुत ही अच्छा मेला था, और हमारे जो कि मेला का आनंद उठाते हुए गुलशन भाईजान भी आ गए हैं, जो कि पूरा एकदम, और इधर हमारे फ्रेंड लोग भी हैं, गोपाल जी, ये सब पूरा बहुत मजा आ रहा है मेला में। सिल्क उत्सव मेला है, और आपने भी यहाँ स्टोर लगाया है, आपकी तरह क्या सामग्री बेचा जा रहा है? यहाँ हम भागलपुर का सामान लेकर आए, अपना मैन्युफैक्चरिंग है, मधुमनी सूट बेचते हैं, साड़ी बेचते हैं, सिल्क का साड़ी है, भागलपुरी सिल्क जो होता है तैयार, जो भागलपुर में जो होता वही हम लोग, तो ये अपने फैक्ट्री में तैयार? हाँ हाँ, अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग, अपना मैन्युफैक्चरिंग है, खुद से तैयार करते हैं और बेचते हैं। क्या रेंज है इस इन सभी का? ये सबका सब अलग अलग रेट है, जैसे साड़ी आता है स्टार्टिंग होता है 1000 से, 1000, 1500, 5000, 4000, सब मेल की साड़ी रहती है, और सूट में आता है जैसे 1200, 800, 900। ये हिसाब मेला आज ही शुभारंभ हुआ है, लोगों का रिस्पांस कैसा मिला? रिस्पांस है अभी तो जैसे चालू हुए तो पब्लिक कुछ न कुछ आ रहे हैं ना। हाँ, परचेजिंग कुछ न कुछ हो रहा है। मेला लगाना सफल रहा ना? हाँ, उम्मीद लग रहा है कि मेला चलेगा। क्या नाम है भैया? मोहम्मद इरफान। चारों से भी उसके एक ही कर दिया।
स्केल्स को मशीन में डाल देना है, ढक्कन नहीं खोलना बाबू, कैप लगाओ, ब्लो करो। ये देखिए वाटर बुक, इधर है सर, ये सादा है, इसमें पानी भरना है ना, इसको खोल दीजिएगा, पानी भर दीजिए इसमें, इसको दो बार झाड़ दीजिएगा ऐसे। जो बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, पिन नहीं पकड़ पाता है, पिन पकड़ना स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए इसमें अंदर पिक्चर छुपा हुआ, पिक्चर के चक्कर में वो पिन पकड़ेगा और घिसेगा। किस तरह का ये मेला है, क्या इसका मकसद है, क्या क्या स्टॉल? सर आपके कटिहार में राजेंद्र स्टेडियम में ये करीब 8 सालों के बाद ये शिल्प उत्सव मेला लगाया गया है, और इसमें करीब भारत वर्ष के करीब सर 15 राज्यों के लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि 60 दुकानें लगाई गई हैं। इसका हम लोगों का मुख्य आकर्षण जो है सहारनपुर का फर्नीचर है, लखनऊ का चिकन वर्क है, भदोई की कालीन है, खादी ग्रामोद्योग के बहुत सारे वस्त्र की वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी, और भी बहुत सी चीज़ें आपको जो यहाँ पर कटिहार शहर में नहीं मिलता है वो इस मेले के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ की जनता से अनुरोध करूँगा कि वो राजेंद्र स्टेडियम में यहाँ पर आएँ। इसका समय दोपहर में 3 बजे से रात्रि 9:30 तक रखा गया है, तो मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि इस मेले में आए और इसका भरपूर आनंद लें। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए छोटे बच्चों, हम लोगों ने झूले की व्यवस्था भी की है, और साथ साथ में खान पान के भी स्टॉल काफ़ी यहाँ भारी मात्रा में लगाए गए हैं, और भागलपुर का सिल्क की वैरायटी बहुत है, लखनऊ का चिकन वर्क है। तो मैं यहाँ की जनता से अनुरोध करूँगा कि इस मेले में आए और इसका भरपूर आनंद लें। ये मेला आपके लिए 28 मई तक चलेगा। क्या नाम है आपका? सुधीर शर्मा फ्रॉम लखनऊ। है ये कौन सा कपड़ा है? ये डुपियन सिल के जो तैयार होता है भागलपुर में, हाँ। वही कपड़ा है, और फिर कपड़ा ये प्लेन होता है, फिर हम लोग प्रिंट करवाते, प्रिंट करवा के फिर मेला में। काफी सुंदर कपड़ा है। इसके अलावा हाँ। बना हुआ भी कपड़ा है क्या? बना हुआ हम लोग नहीं बेचते हैं, रनिंग मटेरियल बेचते हैं, मतलब लोग ले जाकर हाँ। आप खुद से तैयार कर लेके जाए और अपना अपने नाप से वो सिलवाए। इसका क्या सूट वगैरह? ये सूट हुआ, सूट हुआ, हाँ ये सूट हुआ, ये सब साड़ी हुए, ये मधुबनी साड़ी हुए, ये सब, ये सब साड़ी। और जो आपके हाथ में जो सूट मेरे हाथ में है ये 1000 से है। 1000 से है। और ऊपर जो टंगी हुई है वो सब वही सेम वही चीज है। ये देखिए ये डिस्चार्ज प्रिंट है, हुआ ये कतान से।